तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को उस मोड़ से जहां से हिटलर के जर्मन एम्पायर और उसकी अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। साल 1920 से लेकर 1945 तक यानी हिटलर की मौत से पहले जर्मनी और उसके साथ साथ पूरी दुनिया ने नाजीवादी क्रूरता का एक ऐसा तमाशा देखा जो पूरी दुनिया में मिसाल बन गया। आज भी जब किसी ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं जो अपनी बात दूसरे पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है तो उसे हम हिटलर से कंपेयर करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध का अंतिम दौर और अप्रैल महीने की 30 तारीख साल 1945 में हुई हिटलर की मौत। इस घटना को घटित हुए 66 साल हो चुके हैं, लेकिन हिटलर की मौत से जुड़े रहस्य आज भी लोगों के दिमाग को टटोलते रहते हैं, इसलिए आज के वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर 30 अप्रैल 1945 को बचकर भाग गया था। एक थियरी ये भी कहती है कि वो अर्जेंटीना चला गया और बाकी की लाइफ वहीं पर रहा। कुछ लोग कहते हैं वो अंटार्कटिका में किसी गुप्त स्थान पर रहने लगा था। कुछ लोग कहते हैं वो स्पेन में रहता था, जबकि कुछ कहते हैं कि वो सैन डियागो में रहता था और उसकी मौत पार्किंसन डिजीज से हुई। बल्कि लोग ये भी कहते हैं कि हिटलर धरती से निकलकर चांद पर चला गया और वहां के डार्क साइड पर रहता था। हालांकि मई 2018 में यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश एक एनालिटिकल आर्टिकल ने कुछ हद तक इन तमाम रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। फ्रेंच साइंटिस्ट ने एडोल्फ हिटलर के दांतों के फ्रेगमेंट पर अपने रिसर्च के आधार पर हिटलर की मौत की पुष्टि की थी। इस रिसर्च को लीड करने वाले फिलिप चार्लियर ने AFP को बताया कि हिटलर ने साइनाइड खाने के बाद खुद को गोली मारी और वो 1945 में उसी बंकर में ही मारा गया। जिन दांतों को उन्होंने अपनी स्टडी का हिस्सा बनाया वो हिटलर के ही दांत थे। अप्रैल 2018 में एक इंग्लिश पब्लिकेशन में एक रशियन इंटरप्रेटर के मेमोयर्स पब्लिश हुए, जिसमें उस महिला ने बताया कि उन्हें साल 1945 दांतों का एक्सेक्ट संभाल के रखने के लिए दिया गया था। उनका काम था उन दांतों को हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक करना। टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक वो दांत हिटलर के रिकॉर्ड से मैच हुए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने रशिया की FSG सीक्रेट सर्विस और रशियन आर्काइट के साथ उनकी टीम ने महीनों नेगोशिएट किया, जिसके चलते उन्हें दांतों और स्कल के एक पीस पर स्टडी करने की परमिशन मिल गई। उस स्कल के लेफ्ट साइड पर मौजूद होल एक गनशॉट का निशान था। साथ ही ये बात भी सामने आई, हिटलर की मौत से एक साल पहले उसके स्कल की रेडियोग्राफी की गई। स्कल उस रेडियोग्राफी की रिपोर्ट से मैच करता था। हिटलर की एलिट बॉडीगार्ड फोर्स के रोचस मिश ने हिस्ट्री चैनल को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बताया उन्होंने हिटलर की डेड बॉडी देखी है और वो उसके विटनेस भी है, लेकिन उन्होंने हिटलर को अपने आप को गोली मारते हुए नहीं देखा। ये वो समय था जब जर्मन फौजी पीछे हटने पर मजबूर हो गई और रूस की फौजें लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। हिटलर इस धोखे में था कि रूस की फौजें कभी भी बर्लिन तक नहीं पहुंचेगी और एक दिन जर्मन फौजी उन्हें हरा देंगे। लेकिन रूस की फौजों ने जब बर्लिन में एंटर किया तब उसकी सारी उम्मीदों ने जवाब दे दिया। वो अपने सबसे सुरक्षित बंकर में अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन और कुछ वफादार साथियों के साथ चला गया। हिटलर फाइनली अपनी हार को मान चुका था और इसके बाद उसे क्या करना है वो ये डिसाइड कर चुका था। हिटलर मुसोलिनी की डेथ और उसकी डेड बॉडी का जो हश्र देखा था उसके बाद उसका हौसला भीतर तक टूट गया। वो नहीं चाहता था कि लोगों ने जैसा मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका की डेड बॉडी के साथ किया वैसे ही उसके और युवा की डेड बॉडी के साथ हो, इसलिए उसने अपने लोगों को ये कहा कि उसकी डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी को सामान सहित जला दिया जाए। हिटलर की एलिट बॉडीगार्ड फोर्स में उस वक्त काम कर रहे रोसर मिश ने जब हिस्ट्री चैनल से बात की तो उन्होंने बताया जिस समय हिटलर अपने उस बंकर में मौजूद था उसने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से 29 अप्रैल को शादी की। वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका था कि वो अपने आप को मारना चाहता है और इसका सही तरीका क्या है। डॉक्टर ने उसे बताया या तो आप साइनाइड का कैप्सूल खा लो या फिर अपने आप को गोली मार दो। रोशन ने बताया कि हिटलर अपनी पत्नी के साथ उस कमरे में चला गया, साथ ही अपने लोगों को ये कहा कि कमरे में उसे कोई भी डिस्टर्ब न करे और काफी देर बाद किसी ने कहा कि गोली चली है। सिंगल गनशॉट की आवाज आई पर दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। काफी देर के बाद जब भीतर से कोई हलचल प्राप्त नहीं हुई तो फिर लोगों ने दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर जाना सही समझा। अंदर जाकर देखा एक मेल डेड बॉडी टेबल पर पड़ी थी
और फीमेल डेड बॉडी सोफे पर। जानकारी के मुताबिक हिटलर की प्रेमिका और पत्नी युवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर अपनी जान दी और हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली। इसके बाद इन दोनों की डेड बॉडी को पेट्रोल के जरिए जला दिया गया। फाइनली यही हिटलर का एंड था। अब सवाल ये उठता है कि जब हिटलर की मौत के फैक्ट इतने क्रिस्टल क्लियर हैं, तो फिर रूमर्स को फैलने का मौका कैसे मिला? दरअसल किसी ने भी हिटलर को अपने ऊपर गोली चलाते हुए नहीं देखा। गनशॉट की आवाज के काफी देर बाद जो लोग अंदर गए, बेशक उन्होंने हिटलर की पहचान की, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि वो हिटलर के आदमी थे। उन्होंने हिटलर की डेड बॉडी की कोई फोटोग्राफ नहीं ली, कभी भी हिटलर की डेड बॉडी प्रोड्यूस नहीं की गई। यही वो कुछ पॉइंट है जहां से हिटलर की मौत रहस्यमय हो गई और फिर धीरे धीरे ये रहस्य और गहराता चला गया और यहीं से पैदा हुई कई स्पेक्युलेटिव थ्योरी। अर्जेंटीना में हिटलर H.D. बॉमन एक ऑथर है और उनका कहना है कि वो कभी नहीं मान सकते कि हिटलर बंकर में मरा। उन्होंने हिटलर्स कैप और हिटलर्स फैट नाम से दो किताबें लिखी। इनमें से उनकी हिटलर फैट 6 साल की रिसर्च का परिणाम थी। जुलाई 1945 में स्टालिन ने अलाइड फोर्सेस को बताया कि हिटलर स्पेन या अर्जेंटीना में जा सकता है। बॉमन का मानना था कि हिटलर जर्मनी से एक ही यू बोट में बैठा और फिर वहां से सीधा अर्जेंटीना के लिए निकल गया। हिटलर की मौत की जांच SFBI ने भी की थी, मगर उसे इस जांच में कुछ नहीं मिला, ना ही वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। फाइनली साल 1956 में इस केस को उसने बंद कर दिया। यानी हिटलर के मरने के बाद 11 साल तक दुनिया की वर्ल्ड क्लास एजेंसी उसकी मौत की जांच करती रही और उसके बाद उसने वो केस बंद कर दिया। लेकिन फिर भी समय समय पर हिटलर का जिक्र उसकी मौत को सस्पिशियस बनाकर लोगों के सामने ले आता है। 1 मई 1945 को सारी दुनिया उस समय हैरान रह गई जब जर्मन रेडियो की तरफ से ऑफिशियली हिटलर की मौत की खबर को अनाउंस किया गया। फेमस हिस्टोरियन, ऑथर और जर्नलिस्ट गेराल्ड विलियम्स का कहना था कि वो इस खबर को नहीं मानते और ये अनाउंसमेंट ही दरअसल इस बात का शक पैदा करती है कि हिटलर की मौत नहीं हुई है, क्योंकि हिटलर की मौत की अनाउंसमेंट उन लोगों ने नहीं की जिन्होंने हिटलर की डेड बॉडी को देखा था, बल्कि हिटलर की मौत की अनाउंसमेंट नाजियों की तरफ से की गई थी। उस समय जर्मन सरकार दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा वाली सरकार थी। इसके ठीक दूसरे दिन यानी 2 मई 1945 को सोवियत संघ की सेनाओं ने BBC के एक रिपोर्टर की मौजूदगी में उस बंकर को सीज किया जहां हिटलर की मौजूदगी बताई गई थी। उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी मिली जो हिटलर के जैसी दिखती थी, लेकिन जांच के बाद ये फैक्ट समझ में आया कि जो डेड बॉडी बरामद की गई है देखने में वो नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर की ही डेड बॉडी थी, लेकिन एक रिपोर्ट्स के अनुसार वो हिटलर की नहीं बल्कि उसके एक बॉडी डबल की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बॉडी डबल काफी संख्या में इस्तेमाल किए जाते थे। बताया जाता है जोसेफ स्टालिन के कई बॉडी डबल थे, वहीं विंस्टन चर्चिल का भी एक बॉडी डबल था और हिटलर के बारे में यही कहा जाता है कि वो भी बॉडी डबल यूज किया करता था। इन तमाम सर्कमस्टेंसेस के चलते हिटलर की मौत एक कॉन्स्पिरेसी बन गई, क्योंकि कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि जो डेड बॉडी मिली थी वो हिटलर की थी या नहीं। अगर वो हिटलर की बॉडी डबल की थी तो फिर हिटलर की असली डेड बॉडी कहाँ थी? एक और थियोरी के मुताबिक हिटलर का एक प्राइवेट सेक्रेटरी था, मार्टिन बारमैन। बताया जाता है उसने ही कुछ ऐसा इंतजाम किया था कि जब हिटलर और इवा अकेले बंकर के उस कमरे में मौजूद थे, तब उस समय वहां पर दो बॉडी डबल पहुंचे जो हिटलर और इवा के बॉडी डबल थे और उन्हें ओरिजिनल से चेंज कर दिया गया। मार्टिन एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से हिटलर और नाजी के लिए कमिटेड था। वो ये चाहता था कि हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्वाइव कर जाए, लेकिन क्योंकि इसी के जरिए वो खुद को और हिटलर को बचा सकते थे, इसलिए उन्होंने बॉडी डबल का रास्ता अपनाया, क्योंकि इसके जरिए वो दुनिया को ये दिखा सकते थे कि हिटलर और उसकी प्रेमिका अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उनके मरने के बाद उनकी तलाश भी बंद हो जाएगी। बॉडी डबल से ओरिजिनल को बदले जाने की बात केवल मार्टिन और सेकंड चीफ हेनरिच मूलर जानते थे। ओरिजिनल बॉडी को स्विच करने के बाद बॉडी डबल को एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद ये सवाल और ज्यादा मजबूत हो गया, अगर हिटलर की मौत नहीं हुई तो फाइनली हिटलर गया कहाँ? इसे लेकर कई रूमर्स थे। कोई कहता था हिटलर अंटार्कटिका में रहता है, तो कोई दुनिया के किसी और जगह में इसके होने की बात कहता था। लेकिन एक हिस्टोरियन डॉगलस डिस्ट्रिच ने अपने एक थीस दुनिया के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया हिटलर ने अपना एक बेस साउथ पोल में बनाया और यहाँ पर करीब 2 लाख आर्यंस के रहने की व्यवस्था थी।
इस बेस कॉलोनी में अंडरग्राउंड हॉस्पिटल सिस्टम के साथ अंडरग्राउंड फैक्ट्री सिस्टम से लैस थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वाकई टनल्स पाई गई थी। जानकारी ये भी है कि 1938 में नाजी की एक टीम साउथ पोल भेजी भी गई थी, जिसमें कहा गया कुछ साइंटिफिक रिसर्च के चलते टीम भेजी गई थी, लेकिन इस टीम का इंचार्ज कोई और साइंटिस्ट नहीं था बल्कि जर्मन एयरपोर्ट काची हरमन गोयरे थे। इस बारे में सूत्रों का कहना है कि जर्मनी की इस कार्रवाई के पीछे टेरिटोरियल एक्सटेंशन था, लेकिन इसे काउंटर करने के लिए डगलस के पास एक जवाब था कि 1938 का एक्सपेडिशन कॉलोनी बनाने की पॉसिबिलिटीज चेक कर रहा था। हिटलर की मौत से रिलेटेड कई और बातें सामने आई जो बहुत ही फनी थी। इनमें से एक तो ये थी कि हिटलर चांद पर पहुंच गया था और वहां से डार्क साइड पर बंकर बनाकर रहने लगा था। किसी ने एक्सपेंड करके ये भी कहा कि हिटलर एलियंस के कनेक्शन में था और वहां से उनके साथ यूनिवर्स के अननोन प्लेस पर चला गया। हिटलर की मौत से रिलेटेड इस वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा विश्वसनीय लगा हमें कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।